हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, एग्जांपल है मोनोटोन सीक्वेंस को होता है, ठीक है। तो वाई वन मेरा वन है, ठीक है, और दूसरा मेरा वाई एन प्लस वन सीक्वेंस है इस फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले वैसे मैंने बताया आपको कि सबसे पहला स्टेप हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताते हैं, तो वही इसी इसी फॉर्म से हम बता रहे हैं, मोनोटोन सीक्वेंस में लिख दिया है, ठीक है। तो मेरी वाई टू कैसा होगा, मेरा वाई वन तो मुझे दे रखा था, मुझे वाई टू निकालना है, तो मैं सिंपली इस एन की जगह ना वन रखूंगी। तो जब मेरा एन वन है तो ये मेरा वाई टू हो जाएगा, क्योंकि प्लस में तो वन ऑलरेडी है ना, तो वाई टू मेरी सीक्वेंस हो जाएगी। तो ये वाई एन वाई वन एन की जगह मैं वन रखे तो वाई वन हो जाएगा ये, और वाई वन की वैल्यू मुझे वन दे रखे तो मैंने यहाँ पे वन डाल दी, तो मेरी ये वाई टू की वैल्यू होगी। ऐसे ही सेम मैं थ्री की निकालना चाहती हूँ, मैंने यहाँ पर टू रख दिया तो वाई थ्री की बन जाएगी सीक्वेंस, और यहाँ पे मैंने वाई टू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, क्योंकि यहाँ पे टू डाल दूँ ना मैं एन की जगह। यहाँ पे देख सकती हूँ एन मेरा वन है यहाँ पर, ठीक है, एन मेरा यहाँ पे टू है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मेरी आ रही है आपकी, ठीक है। तो मैं देख के बता सकती हूँ, मेरी वन था यहाँ पे वाई वन, और वाई मतलब कि वाई थ्री मेरा इलेवन बाई एट आ रहा है, वाई टू मेरा फाइव बाई फोर, तो वन से तो बड़ा ही आ रहा है ना मेरा। तो देखा जाए तो इससे मैं बता सकती हूँ कि वाई वन जो है वो लेस देन है मेरा वाई टू से, ठीक है, और इसको मैं फर्स्ट मान लेती हूँ। और यहीं से मैं बता सकती हूँ, जब ये इससे बड़ा जा रहा है तो मेरी सीक्वेंस कैसी है, इंक्रीजिंग है, ठीक है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। अब रिज्यूम दैट, अब यहाँ पर ना ज़्यादातर क्वेश्चन है ना इसी फॉर्म में सॉल्व करते हैं, जैसे मैं इस वाले को बता रही, ठीक है, इट्स ट्रू फॉर। अब मैंने तो मैंने बता यहाँ पे के वाला क्यों यूज कर रही हूँ, फॉर एन इज इक्वल टू के, ये पी एम आई जो होता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे ना वन और टू के बारे में बताया कि वन जो है ना वाई वन वो वाई टू से छोटा है, मतलब कि सीक्वेंस में इंक्रीज जा रहे हैं। मैंने वाई एन के लिए नहीं बताया कि मैं नंबर ऑफ टर्म्स, ये एन वाले जो होगा ना लास्ट नंबर वो भी मेरा बड़ा ही होगा, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैं एन इज इक्वल टू के दैट इज इस वाई की जगह रखूँगी, तो मैं वाई के निकालना चाहती हूँ, तो वाई के लिए क्या होगा, मतलब कि दैट इज मैं जूम कर रही हूँ ये, तो दैट इज मतलब कि मैं ये निकालना चाहती हूँ वाई के जो होगा वो वाई के प्लस वन से छोटा होगा, कि मतलब इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ना, तो ये छोटी वाली वैल्यू बड़ी वाली से मतलब कि छोटी होगी। तो मतलब क्या है, एक तरीके से शो करना चाहती हूँ कि दिस इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी ट्रू होगा, जैसे कि हम पी एम आई नहीं लगाते वही सेम चीज़ लगाना चाहती हूँ, ठीक है। दैट इज कि मैं अगर y k प्लस वन के लिए निकाल दूँ तो वो y k प्लस टू से छोटा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे शो करनी है इस तरीके से, ठीक है। तो बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस, तो ये लिखने का तरीका समझ लीजिए एक तरीके से, हम ऐसे ही लिखते हैं इसको। तो हम इसको लेते कैसे, सबसे पहले हम y k ले लेते हैं, वो हम जानते हैं y k प्लस वन है, ठीक है। अब y k हमारे पास ये है, ठीक है। अब y k की बात करो मैं, तो उससे पहले एक मिनट का है, y k जो है ना इंडक्शन हाइपोथेसिस, मैंने यहाँ पर है ना k के लिए बता दिया कि k के लिए ट्रू है, जैसे कि हम बोलते हैं ना n को हम k रखते हैं, तो k के लिए ट्रू है, तो वो k प्लस वन के लिए हो जाएगा, ठीक है। अब दैट इज, अब मैं y k प्लस वन की बात करूँ, ठीक है, वो y k प्लस टू जाएगा, और y k प्लस वन दिखता कैसा है, अगर मैं इसी की बात करूँ यहाँ पे नाउ, मैं इसकी बात करूँ y k प्लस वन दिखेगा कैसे, देखो n की जगह मतलब मैंने क्या डाला है यहाँ पे k डाले, तो इस n की जगह मैं k डालूँगी तो मेरा कैसा दिख रहा है, वन बाय फोर टू वाई के प्लस थ्री इस फॉर्म का दिखेगा ना, क्योंकि k डाला मैंने n की जगह, k प्लस तो वन चली है ना, तो मतलब क्या यहाँ पे जो है सीक्वेंस बढ़ा है, तो मतलब ये k प्लस वन वाली सीक्वेंस होगी, क्योंकि यहाँ पे k प्लस ट्वेल्व प्लस वन टू को ब्रेक कर देंगे ना, तो n मेरा कैंसिल हो जाएगा k प्लस वन वाला, तो ये जो चीज़ होगी वो ग्रेटर देन होगी वन बाय फोर टू वाई के प्लस वन से n प्लस में थ्री, ठीक है, ये वाली सीक्वेंस होगी। अब हम जानते हैं ये वाली सीक्वेंस जो है वो है कैसी, दैट इज एक मिनट, मैंने आगे से ना थोड़ा सा इस फॉर्म में लाना, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, मैं इसी को ले लूँ, ठीक है, मैं इसी को ले रही हूँ वाई के, क्योंकि इंडक्शन हाइपोथेसिस कहते हैं ना कि के के ही होते, तो इसको ले लूँ, तो वाई के इज ग्रेटर देन। अब वाई के को है ना मैं इसमें लगाना चाहूँगी अगर इसमें, तो उससे पहले मैं क्या करूँगी कि मैं इस फॉर्म में ना लाना चाहूँगी, तो वाई के को ना मैं इस फॉर्म में लाना चाहूँगी, तो मैं इसको टू से मल्टीप्लाई कर रही हूँ सीक्वेंस
ठीक है, ऐसा तरीका ज़्यादा आसान है। मैं इसको टू से मल्टीप्लाई कर रही, बोथ साइड को, इस वाले को, इसको मैंने टू से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, थ्री ऐड करा। ये मैं साथ ही साथ लिख रही हूँ, ठीक है, कि मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, पहले मल्टीप्लाई कर रही हूँ, फिर थ्री को ऐड कर रही हूँ, फिर फोर से इसको डिवाइड कर रही हूँ। आप यहाँ पर लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय टू, देन नेक्स्ट लाइन में ऐड थ्री, देन नेक्स्ट लाइन में डिवाइडेड बाय फोर। मैंने एक ही फॉर्म में लिख दिया। मैं इसको है ना इस फॉर्म में लाना चाहती हूँ कि मेरी जो सीक्वेंस है उसी फॉर्म में आ जाए। मैं सीक्वेंस के फॉर्म में ले रही थी कि मैंने टू से मल्टीप्लाई करा, थ्री को ऐड करा, देन फोर से डिवाइड कर दिया, ठीक है, इस फॉर्म में ले। और ये जो फॉर्म थी ना जो मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया था, वो इसी फॉर्म में लाना चाहती थी, देखो ना, वन बाय फोर। और ये सीक्वेंस है कि सी के प्लस वन की, क्योंकि जो यहाँ पे नंबर है ना के, वो यहाँ पे के प्लस वन की फॉर्म में है, राइट। तो ये जो नंबर था ये मेरे